नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ रिलेटेड, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत से रिलेटेड आपके जो कमेंट हैं, आपने कमेंट में क्वेश्चन किए थे, उनका आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ये तीसरा वीडियो है संडे का, संडे कमेंट की मैं बात कर रहा हूं। ज़्यादा वीडियो अगर लंबा करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी पूरा वीडियो देखने के लिए, तो पार्ट बाई पार्ट में 10-12 मिनट का एक वीडियो बना देता हूँ। इसमें बाकी के जो क्वेश्चन रह गए थे थर्ड वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो देखिए ताकि आपने कमेंट किए थे, आपके एक कमेंट हो सकता है, हजारों लोगों के कमेंट हो एक ही कमेंट की तरह से, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड, गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। संदीप जोशी बोलते हैं, सर मेरे पास इंडियन हैवी लाइसेंस है, तो ड्राइविंग जॉब के लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है जहाँ पे मैं जाकर जॉब कर सकते हैं? भाई मैं बता दूँ, देखिए इंडियन लाइसेंस वैसे तो कोई भी कंट्री वैल्यू नहीं करती, सिर्फ सऊदी अरबिया को छोड़ के, पहले कतर करती थी लेकिन उसने भी अभी बैन कर दिया, वो भी सऊदी लाइसेंस को माने नहीं करती। सऊदी लाइसेंस होता है तो चल जाता है, बाकी सऊदी को छोड़ के कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि आप डायरेक्ट इंडिया से ड्राइवरी के जॉब में जा सकते हैं, ये बात हमेशा नोट रखें। अब नीचे कुछ महानुभाव कमेंट भी कर सकते हैं कि ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, यहाँ से आप जाइए दूसरे प्रोफेशन में, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दीजिए, अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं, जैसे दुबई की बात करें, तो आप कोई भी तरह का लाइसेंस बनवा सकते हैं। कुवैत का सेम ऐसे ही है, कतर का भी ऐसे ही है, बहरीन ओमान का भी सेम ऐसे ही है, सऊदी को छोड़ के कोई भी कंट्री में डायरेक्ट जॉब ड्राइवरी में नहीं मिलेगा। सार के राज बोलते हैं, सर कुवैत का वीज़ा कब मिलेगा? भाई कुवैत का वीज़ा मिलने के आसार नहीं है, मुझे मेरी जहाँ तक सोच है, पर्सनल बता रहा हूँ, 2021 से जनवरी से पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लाइट के आसार नहीं है यार। कुवैत सरकार ने एक तरफ से एकदम मलेशिया की तरह हो चुका है, वो फ्लाइटों का बैन लगा पड़ा है, कोरोना बहुत नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे, 700-800 के करीब आ गया है, यानी डाउन चल रहा है, फिर भी फ्लाइटें बैन करके रखे हैं, धड़ाधड़ नियम एक्ट बना रहे हैं लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, हम ये नहीं होने देंगे, यानी नहीं होने देंगे पे सब चल रहा है, होने देंगे उस पे नहीं, कोई कानून नहीं बन पा रहा है। तो अभी प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा भाई वीज़ा से रिलेटेड। अब जो वीज़ा आ रहे हैं पूरे के पूरे नकली वीज़ा आ रहे हैं कुवैत के, सब के सब, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मेरे मोबाइल पे 2 से 3 वीज़ा कुवैत के नहीं आते। हालांकि वो एक अलग बात है, वो चेक नहीं करवा पाते क्योंकि वो एजेंट को लाख रुपए देने की तैयार होते हैं, लेकिन मुझे वो 1100 रुपये नहीं दे सकते, इसलिए वो फिर मजबूरी हो जाती है, वीज़ा चेक नहीं करवा सकते। बाकी मैं उनको हालांकि देखता नहीं हूँ क्योंकि वीज़ा ही बंद है तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इरफान खान का क्वेश्चन है, सर फरवरी में वीज़ा आ गया था, क्या कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल भाई कैंसिल हो चुका है, हो नहीं जाएगा, हो चुका है, जब पासपोर्ट में लगा ही नहीं तो कोई वीज़ा नहीं है, वो वीज़ा वहीं का वहीं है, उसको दोबारा से रिन्यू करवाओ क्या हो वो अलग बात है, अलग बात है, बाकी वो कैंसिल है। एमडी सद्दाम इसके बोलते हैं, सऊदी का वीज़ा कब निकलेगा? भाई सऊदी का वीज़ा में टाइम लगेगा, अभी पहले फ्लाइट स्टार्ट होगी, उसके बाद सरकार कब से स्टार्ट कर देगी तब पता लगेगा, महीना भर तो ये मान के चलो लग ही जाएगा कम से कम। मनोज सेलमपुर बोलते हैं, सर वीआई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कभी स्टार्ट हो रहा है? भाई वीआई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं, आप वीज़ा कहीं से लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं, क्या करते हैं आपकी मर्जी है, बाकी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगह इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू होने का मतलब वीज़ा वर्क परमिट स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा रुख बोलते हैं, सर प्लीज़ बताइए जी, मेरा वीज़ा नवंबर में एक्सपायर हो गया और मुझे कंपनी बोल रही है कि दिसंबर में आने के लिए, तो क्या वीज़ा इंडिया से रिन्यू करवाऊँगा या कंपनी करेगी रिन्यू, प्लीज़ बताइए। भाई नवंबर में आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, दिसंबर में कंपनी आने के लिए बोल रही है, बाकी आपने कंट्री का इसमें नाम नहीं लिखा तो कैसे जाओगे? दुबई का है तो जा सकते हो, बाकी और कंट्री में अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आप नहीं जा सकते। अभी आप कंपनी दिसंबर में आने की बोल रही, इसका मतलब उनको पता है दिसंबर में वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये आ नहीं सकेगा, मैटर ख़त्म। तो पहले ही आप चले जाओ ताकि अगर आपका उसमें लेन देन है, आपकी सैलरी बाकी है, आपका बोनस बाकी है, तो आप ट्राई कर लो, पहले पहुँच जाओ, कंपनी ये चाहती है कि आप आए ही नहीं इसलिए आपको रोक रही है वो, या हो सकता है कंपनी में काम नहीं हो इस वजह से रोक रही होगी। कुलदीप सिंह बोलते हैं, सर मेरा माता पिता 60 साल के हो गए हैं, मेरा बड़ा भाई सऊदी शादी के बाद से 10 साल से अलग रह रहा है, अभी छोटा हूँ और पढ़ाई करता हूँ, तो क्या नियम लागू होगा? भाई ये क्वेश्चन तो देखो इसमें है नहीं बाकायदा, क्योंकि ये पहले मैंने बहुत शुरू में वीडियो बनाए थे 3 साल पहले, माता पिता के भरण पोषण के अधिकार, उसमें आपने ये क्वेश्चन कर लिया, तो मैं बता दूं 60 साल के माता पिता हैं, आपका भाई बड़ा भाई है 10 साल से अलग रह रहे हैं, आप छोटे हो, अगर आप 17-18 साल से छोटे हो, अगर आप नाबालिग हो तो आपके बड़े बेटे का पूरा अधिकार है या उसका पूरा कर्तव्य है कि वो आपके माता पिता को भरण पोषण का जो भी उनका है खर्चा वो उनको उठाए, ठीक है,
और आपके माता पिता को पूरा अधिकार है, क्योंकि अगर आप नाबालिग हैं, नाबालिग की स्थिति में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपकी जिम्मेदारी भी आपके भाई पे बनती है कि वो आपका पालन पोषण करें, आपका माता पिता का पालन पोषण करें, क्योंकि वो वयस्क है, वो कमा रहा है, समझ गए बात को, और आप कमा नहीं रहे हो, आप नाबालिग हो, आपके माँ बाप 60 से प्लस हो चुके हैं तो वो कमाने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनका पालन पोषण करे। ओबेसिटी बोलते हैं सर, गमका मेडिकल वैलिड कितने मंथ तक का होता है? सर मैं बहरीन के लिए गमका मेडिकल करवाया था 28/2/2020, कंपनी बोला कि फिर से गमका मेडिकल, देखिए 3 महीने की वैलिड होती है, किसी भी अपन देश का मेडिकल करवाते हैं 3 मंथ 90 डेज वैलिड होता है, उसके बाद वो उसको काम में लें या नहीं लें वो एक्सपायर हो जाता है, दूसरा मेडिकल करवाना होता है। सुनील कुमार शर्मा बोलते हैं सर मेरा विजिट वीज़ा खत्म हो गया है, अप्रूवल निकला रिजेक्ट हो गया है, क्या मैं क्या करूं? भाई आपका विजिट वीजा खत्म हो गया है तो अप्रूवल किस बात का निकाल रहे हो यार, विजिट वीजा में अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सीधा दुबई पहुंचे, वीजा एक्सपायर हो गया तो दूसरा वीजा लेना पड़ेगा आपको, उसके बिना आप नहीं जा सकते चाहे कंट्री कोई भी हो। राज बोलते हैं सर मैं बहरीन में रहता हूं, छुट्टी आया था बट वीजा एक्सपायर हो गया है, मैं इंडिया में हूं तो बहरीन कैसे जा सकते हो? भाई आपका वीजा एक्सपायर हो गया तो आप नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखें, वीजा अगर आप छुट्टी कैंसिल हो जाती तो आप जा सकते थे, वीजा एक्सपायर हो गया कैसे जाओगे, वहाँ बहरीन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी आपको, नहीं जा सकते आप। आपके साथ हजारों हैं भाई, आप टेंशन ले लें, उनको देख के खुश रहें कि हजारों हैं आपके साथ, वो ही नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते। वीरा सिंह सर, सर वीजा कैंसिल करे बिना इंडिया जा सकते हैं क्या? क्योंकि मेरा रबाब नहीं है, वो अपने मुल्क भाग गया, क्या मैं ओनली टिकट करा के इंडिया जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप वीज़ा कैंसिल करे बगैर आ सकते हो ना इंडिया, किसने बोला वीज़ा कैंसिल करा के आना होता है? लोग जो छुट्टी आते हैं तो क्या वो वीज़ा कैंसिल करके आते हैं? नहीं जी, टिकट लो, पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ है, वैलिड है, आप इंडिया आ सकते हो, फिर आप यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि आपका रबाब के साथ आपकी बातचीत होती है तो आप वापस जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। सुरजीत सिंह बोलते हैं भाई प्लीज़ कुवैत का जो बंदा ब्लैकलिस्ट हो कितने टाइम तक कुवैत नहीं जा सकता? भाई देखिए दो तरीके ब्लैकलिस्ट होते हैं, एक तो ये होता है जैसे आप इलीगल हो गए, आपने वहाँ पे मतलब कंपनी छोड़ दी, ठीक है, नॉर्मली में इलीगल हो जाता है वो ब्लैकलिस्ट 5 साल होता है। एक आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपके पास मुकदमे वहाँ पे चल रहे हैं तो आपको पुलिस ने डिपोर्ट कर दिया तो आप लाइफ टाइम दोबारा नहीं जा सकते, तो आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। वकील जी मेरे साथ वाला दुबई से जयपुर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आया था लेकिन उसको होम क्वारंटाइन नहीं दिया, एयरपोर्ट पर एकदम बदमाशी इन लोगों की, वकील साहब आप मुद्दा उठाओ ताकि हम भारतीय परेशान नहीं हो। भाई मैं बता दूँ, देखिए ये अगर इसमें दो बातें हैं, रिपोर्ट नेगेटिव आज करवाइए, 96 आवर्स से 1 घंटा भी ऊपर हो चुका है आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको तो ये लगता है कि रिपोर्ट थी, उनको होम क्वारंटाइन नहीं किया, उनको गवर्नमेंट होम क्वारंटाइन डाल दिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट वो होती है जिसमें टाइम पड़ा है, जैसे 96 आवर्स यानी 3.5 दिन के करीब का टाइम होता है, उसके दौरान आप एयरपोर्ट क्रॉस कर लेते हो तो बिल्कुल आपको कोई रोकने वाला है नहीं। अगर आप दोनों में से कौन सा आपके ऊपर नियम लागू होता है, हो सकता है 96 आवर्स आपका टाइम ओवर हो चुका है, 100 घंटे हो गए, 98 आवर्स हो गए इस तरह से, या फिर उसमें टाइम पड़ा है तो आप उसमें देख लीजिए, अगर उसमें टाइम था एयरपोर्ट क्रॉस करने तक 96 आवर्स से पहले वो आया है तो उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, आप दोबारा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रवीण भारती बोलते हैं सर मेरे पापा की छुट्टी खत्म हो गई है दुबई का और अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, कैसे करूं? वीज़ा डेट 11/20 तक है। देखिए भाई मैं बता दूं, आपकी बात मैं समझ चुका हूं, अप्रूवल नहीं मिल रहा इसका मतलब कंपनी से कॉन्टेक्ट करें आप, क्यों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंपनी ने ब्लैक लिस्ट करवा दिया उसको, वो इमिग्रेशन में नाम लिख के दे देती है ये 100 बंदों के, अगर वो अप्लाई करें तो अप्रूवल उनका कैंसिल हो जाना चाहिए, तो वहाँ से कैंसिल हो सकता है, रेड सिग्नल आ जाता है, अगर अप्रूवल होता है तो ग्रीन सिग्नल आ जाता है, तो आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करें वो बता देंगे आपको। अरमान खान बोलते हैं सर मैं सऊदी में 2016 से हरूप लगा था और जेल के जरिए इंडिया आया तो क्या मैं 5 साल के बाद सऊदी जा सकता हूँ? बिल्कुल आप सऊदी जा सकते हैं 5 साल के बाद में, लेकिन आपका तरीका आने का कौन सा है? लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पे मुकदमा लगा तो आप नहीं जा सकते, लाइफ टाइम बैन हो गए, या आप जैसे कंपनी छोड़ दी, रफई आपका कफील छोड़ के भाग गए थे, इलीगल थे, तो आप 5 साल बाद में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। एक बंदा पूछता है कैन यू टेल मी ब्रदर कुवैत वीज़ा इन गोइंग टू स्टार्ट सम टाइम? भाई बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा, टाइम लगेगा कुवैत के वीज़ा स्टार्ट होने में, और उम्मीद ये करो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, बाकी मुझे नहीं लगता 2021 से पहले कुवैत वीज़ा स्टार्ट करेगा, जिस तरह से वो अपने कानून बना रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है। तो बस साथियों ये आपके क्वेश्चन थे जो आपने कमेंट किए थे वीडियो के नीचे, उसका मैंने आंसर देने की कोशिश की, आई होप आप उम्मीद करूँगा आपको आपने आपके आंसर मिल गए होंगे और आपके साथ और भी लोगों को मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में गल्फ से रिलेटेड सही जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।